नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 का चौथा अध्याय आज हम देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जनतंत्र या लोकतंत्र सरकार के प्रमुख बेसिस क्या है या प्रमुख पिलर्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि जो जनतंत्र है वो लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो हम पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम राजनीतिक फ्रीडम की या स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल पार्टी के लिए अफिलिएशन रखना या वो किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है उसके लिए अफिलिएशन रखने का पूर्ण अधिकार है। सभी को राजनीतिक स्तर पर समानता प्रदान की जाए, इसका मतलब है कि सभी को बराबर से वोट देने का अधिकार हो, कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं। तो ये जो 8 पिलर्स हैं ये महत्वपूर्ण भाग हैं आपके जनतंत्र सरकार के सफल होने के। अगला है कॉमन गुड। जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए किए जाएं, तो एक व्यक्ति का फ़ायदा नहीं हो बल्कि सभी व्यक्तियों का समान रूप से इसमें फ़ायदा हो सके। आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी बनाए रखने की बात की जाती है। ये रिफॉर्म मूवमेंट मुख्यतः B.R. अंबेडकर के एफर्ट से आया था, जब दलित आंदोलन शुरू हुआ था और सभी को सेल्फ रिस्पेक्ट देने की बात की गई थी। इसी तरीके से बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड गेटिंग इन्वॉल्व्ड की हम बात करते हैं, मतलब जो कि RTI के तहत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि सभी को सूचना का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और फाइनली हम बात करते हैं कि सभी को आदर या सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं। तो ये कुछ 8 पिलर्स हैं जो जनतंत्र के असेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरीके से हम एक और चीज़ की बात करते हैं जिसको अपैरथाइट कहा जाता है। ये मूवमेंट मुख्यतः साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रमुख प्रणेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। आज तक जो भी साउथ अफ्रीका में होता आ रहा था उसमें, जैसे हम मान लीजिए एम्बुलेंस की बात करते हैं या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो जो श्वेत लोग थे उनके लिए बहुत वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस होती थी, जबकि जो श्याम वर्ग के लोग थे या जो ब्लैक्स थे उनके लिए वो एम्बुलेंसेस अच्छी स्थिति में नहीं होती थी। इसी तरीके से जो वाइट्स थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, जो ब्लैक्स थे वो जुलू भाषा बोलते थे। तो कहीं पर भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट हो, रेलवेज हो, वहाँ पर उनकी इंटरमिंगलिंग नहीं होती थी। दो चीज़ें समान रूप से चलती थी, पर सफ़ेद लोगों के लिए, श्वेत लोगों के लिए अलग होती थी और श्याम लोगों के लिए अलग होती थी। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी समय तक नेल्सन मंडेला ने फाइट की और उन्होंने ये माना कि ये जो रंग के आधार पर, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव है, ये भेदभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। इसका मुख्य कार्य नेल्सन मंडेला द्वारा किया गया था, जैसा कि हमने कहा, और नेल्सन मंडेला उस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के इंचार्ज थे। और फाइनली उनके ही एफर्ट से 1994 में, मतलब बहुत हाल ही में, जो है साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की तरह या स्वतंत्र राष्ट्र की तरह खड़ा हो सका। अब अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें या व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो यहाँ पर यह समझना होगा कि व्यक्ति का रुझान या पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब वो वोट देने का अधिकार रखे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी पिछले अध्याय में, तो समानता अगर वोट देने से शुरू होती है तो व्यक्तियों का इक्वल पार्टिसिपेशन शुरू होता है, चाहे वो महिलाओं हों, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हों। उनके एफर्ट से अगर कोई लीडर इलेक्ट होता है तो वो उस पूरी जनता को रिप्रेजेंट करता है और वो उस पूरी जनता के भले के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, और हम कह सकते हैं कि वो जनता की आवाज़ होता है। तो जब हम बोलते हैं कि वो जनता की आवाज़ है, तो वो जनता की भलाई के लिए, जनता के बेहतर, जनता के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए बहुत सुचारू रूप से, अच्छे रूप से कार्यकर हो सकता है। सरकार की अगर हम बात करें तो भारत में इसका टर्म 5 साल है, अमेरिका में इसका टर्म 4 साल है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरीके की सरकार बनती है, पर हर सरकार एक दौरान के लिए रहती है, एक समय के लिए रहती है, समयबद्ध होती है, और उस समय के पश्चात नई सरकार का चुनाव होता है, नए लोगों का चुनाव होता है, फिर वो लोग वापस आते हैं और देश के लिए कुछ नया करते हैं। तो ये जो सरकार का कार्य है ये हमेशा एक
रूप में चलता है जब जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो कार्य करते हैं और जो अपोजिशन में हैं वो उसमें खामियां निकालते हैं ताकि वो लगातार निरंतर रूप से कार्यरत रह सकें और ऐसा किसी भी क्षण ना हो कि वो अपने कार्यभार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दें। जब भी ये लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो धरने हो सकते हैं, रैलीज हो सकती हैं, प्रोसेशंस हो सकते हैं, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स अगर शांतिपूर्वक करना है तो सिग्नेचर कैंपेन्स किए जाते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हैं जिससे आप बताते हैं कि आप जो सरकार है उससे खुश नहीं हैं और आप कुछ नया चाहते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष। संघर्ष किसी भी बात पे हो सकता है। संघर्ष इस बात पे हो सकता है कि दो बच्चों के बीच में एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट कौन खाएगा। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ से संघर्ष चालू होता है। ये संघर्ष राज्य के स्तर पर हो सकता है, राष्ट्रों के स्तर पर हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो ये दो राज्यों के बीच में संघर्ष है, मुख्यतः कर्नाटका और तमिलनाडु, केरल भी कुछ हिस्से तक इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया आपके राज्यों के बीच में संघर्ष। अगर हम इंदस नदी की बात करें तो ये है राष्ट्रों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अलग अलग संघर्ष अलग अलग स्तर पर देखे गए हैं। जब इन संघर्षों को समझने की कोशिश की जाती है तो हम मुख्यतः ये समझते हैं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो जब राजनीतिक बाउंड्री से घिर जाती हैं तो संघर्ष पैदा होते हैं। जैसे ये जो नदियाँ चले जा रही हैं, जैसे कावेरी नदी चले जा रही है, इंदस नदी चले जा रही है, पर जो मानव निर्मित पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, राजनीतिक बाउंड्रीज हैं, वो जब बन चुकी हैं तो ये संघर्ष और आगे खींचता चला जाता है। तो यहाँ पर हमने कावेरी नदी की संरचना देखी है। तो यहाँ पर कर्नाटक में आपका कृष्ण सागर रिजर्वायर है, आपका तमिलनाडु में मेटूर रिजर्वायर है। अब अगर सारा पानी कृष्ण सागर में रोक दिया जाएगा तो तमिलनाडु के क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा। अगर इसी तरीके से मेटूर रिजर्वायर में बहुत सारा पानी रोक दिया जाएगा तो क्या होगा। तो दोनों राज्यों के बीच में ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि समान पानी दोनों राज्यों को मिल सके। अगर कभी किसी राज्य में सूखा पड़ जाता है और दूसरे में नहीं होता है तो वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो एक संघर्ष का विषय बन जाता है। तो इस संघर्ष को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। पहला तो है सबको समानता और बराबरी से अधिकार दिया जाए। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएं। जैसे हम बोलते हैं डिसेबल्ड लोगों को, हम बोलते हैं पीपल विद स्पेशल नीड्स, तो उनको हम ज़्यादा प्रोविजंस देने की बात करते हैं। हम आरक्षण की बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड के केयर की बात करते हैं, जिसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं। सबको समान अधिकार जैसे मिलने चाहिए तो उसमें कानून का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर के सुचारू रूप से चलने की बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर चर्चा की है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर समझना ये था कि किस तरीके से जनतंत्र अलग अलग एलिमेंट्स से घिरा हुआ है या एलिमेंट से बना हुआ है। अगर वो एलिमेंट सुचारू रूप से चलते रहें तो जनतंत्र बहुत अच्छे से कार्यरत रह सकता है, पर फिर भी कई बार संघर्ष उत्पन्न होते हैं और उन संघर्ष को किस तरीके से, उन संघर्षों का निवारण किया जा सकता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने चौथे अध्याय में समझने की कोशिश की। हम राजनीतिक विज्ञान के आगे और अध्याय लेके आएंगे। आप चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।